फूलपुर लोकसभा में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार से निकलिए, उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ की जनता आपको लोकसभा भेज सकती है। रोहित किसान है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। तस्वीर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के ठीक सामने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इधर से गुजरेंगे या गेट से निकलेंगे तो ज़रूर उनकी नज़र वहाँ पर पड़ेगी, और जो फूलपुर लोकसभा सीट है वहाँ ज़रूर सियासत की जो निगाह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहुँच जाएगी। सियासत में यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी लालच नहीं है, पहली बार उन्होंने गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। जब इंडिया और एनडीए की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी उस वक्त नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना दामन छुड़ाया और महागठबंधन में शामिल होकर के आरजेडी के साथ सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद वो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास लगातार करते रहे, और इस दौरान मीडिया के जरिए पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई लालच नहीं है और बस हम सियासत कर रहे हैं, हमारा तो मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाए, 2014 में जो आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार ने यही कहा। और इस बीच अटकलें ये लगाई जाने लगी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और विपक्ष का एक चेहरा हो सकते हैं, इसलिए कि वही सारे अलायंस के लोगों को जमा कर रहे थे। तो ऐसे में स्थिति ये बनने लगी कि फूलपुर में चुनाव वो लड़ सकते हैं। फूलपुर जो है वो जो कुर्मी बहुल लोकसभा है उसमें वो शामिल है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पटेल वोट है, तो लोगों को इस तरह की उम्मीदें थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि आप वहाँ चुनाव लड़ लीजिए। इसी सारी सियासी आशंकाओं, सियासी बयानबाजी और सियासी अटकलों के बीच नीतीश कुमार का स्वागत अब फूलपुर में किया जा रहा है और ये स्वागत पोस्टर उनके कार्यालय के ठीक सामने लगा दिया गया है। रोहित किसान समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुलायम सिंह के बाद जब सत्ता और पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव को मिली, तो अखिलेश की तस्वीर ऊपर में है, बगल में नीतीश कुमार है, नीचे लिखा है कि हमारा ये सौभाग्य होगा, हमारी किस्मत होगी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं। ये रोहित किसान ने पोस्टर लगाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला करना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन में जो फैसला होगा उसी पर नीतीश कुमार को चुप रहना है या हामी भर देना है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके पार्टी के लोग और पार्टी के बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं। हालांकि नीतीश कुमार लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या विपक्ष में उनकी कोई बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर हमेशा यही कहा है कि मेरी इच्छा यही है कि सब लोग एकजुट हो जाए, और नीतीश कुमार की इच्छा को लोग मानने भी लगे हैं, उनकी इज्जत भी करने लगे, इसलिए कि तीन मीटिंग जो है इंडिया अलायंस की हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीनों मीटिंग में शामिल भी हुए हैं। चौथी मीटिंग संभवतः दिल्ली में होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है और लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत की सभी बारीकियों पर बातचीत करके ही मीटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है वो एक कार्यकर्ता है कि है समाजवादी, मुलायम सिंह की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया और कहा कि अगर आप लोकसभा का चुनाव फूलपुर से लड़ते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को लेकर के उनके पार्टी के लोग लगातार ये कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने हमेशा इस बात से इनकार किया है, लेकिन अब जो है पोस्टर लगाया गया है ताकि नीतीश कुमार के जहन में भी ये बात अगर आती है कि चुनाव लड़े तो शायद हो सकता है कि लोकसभा के लिए फूलपुर में लोग आमंत्रित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फैसला छोड़ा जा रहा है।